नमस्कार, टोगरी खबरें सुनता स्वागत है। मैं मालू शर्मा थे लोपानी हथियारे थे लेखे जोखे पर। पब्लिक आउटरीच कार्यक्रम के तहत केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर और रामबन च गौरमेंट पॉलीटेक्निक कॉलेज चंद्रकोट च स्किल एग्जीबिशन का उद्घाटन किया। इस मौके पर उत्थे उन्हें युवाएं कन्ने गलबात भी की। जो भी आपके डोमेन फोकस हो, आपको डिजिटल स्किल्स की जरूरत जरूर पड़ेगा। नवंबर एंड तक हम एक प्लेटफॉर्म शुरू करेंगे जो ऑनलाइन स्किलिंग को एक तरह से बहुत ही ट्रांसफॉर्म करेगा। हम स्किल इंडिया का एक ऐप और एक प्लेटफॉर्म लेकर आएंगे ताकि यहाँ के स्टूडेंट भी वही स्किल सीखे जो दिल्ली के स्टूडेंट सीखे। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा होले मकबूल शेरवानी हुंदे शहीद दिवस मौके पर उनकी चेता किया कि आख्या जे आने वाली पीढ़ी की इंदे दस्से गए रस्ते उपर चलना लोड़दा। एडीजीपी कश्मीर और जानकारी दिती है जे सोपोर पुलिस ने हाल च के उहदे आईडी ब्लास्ट वाली घटना की सुलझाई लैता है। इस संबंधा च दाऊ हाइब्रिड आतंकवादी की गिरफ्तार भी किया गया ते उनके कब्जे थमां किश समग्री भी बरामद हुई है। जम्मू शहर का प्रसिद्ध चिड़ी मेला अज थमां शुरू हुआ। डिफकॉम जम्मू रमेश कुमार और हफ्ता तोड़ी चलने वाले इस चिड़ी मेले का उद्घाटन किया ते कन्ने के बाबा जित्तो श्राइन उपर मत्था टेकिया। इस मौके पर मती गिनतरी च लोग इत्थे मौजूद है। देश के बाकी हिस्से थमां भी चिड़ी मेले च खास करके लोग हिस्सा लैने लई इत्थे पुज्जा करदे न। बाबा जित्तो का मेला है जो हर साल होता है, तो यहाँ पर न केवल जम्मू कश्मीर से और बाहर की स्टेट से भी लोग आते हैं। तो आप यहाँ देखेंगे कि जो लगभग 1 लाख की संख्या में पर डे लोग आते हैं, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट एडमिशन जम्मू की तरफ से पूर्णतया उनके प्रबंध किए गए हैं। यहाँ पर उनके लिए वॉशरूम्स की व्यवस्था की गई है, बैठने के लिए व्यवस्था की गई है, पार्किंग के लिए की गई है। अखनूर के प्रवगाल इलाके के किसानों इस गल पर रोष जाहिर किया है जे मंडियां चुने की बेसिक सहूलत हासिल नहीं हुआ करती हैं जिस कारण उनकी फसलें के नुकसान पुजा करता है। ये जी मंडी लाई दी इतना यदि हालत देखो महाराज, जिमीदार ने साड़ी की हालत क्यों करते हैं, साड़ा बड़ा मुश्किल है चलनी। ऑल जे एंड के आरटीसी वॉलंटियर रिटायर्ड इंप्लॉयज एसोसिएशन आसे अपनी मंगी के लिए प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर इन्हें इनकी पेश आवक की समस्याएं की भी उजागर किया। हम सरकार को ये कहना चाहते हैं, वो सरकार से मांग भी करते हैं कि हमारी जो पेमेंट है वो विद इन डेज का रिलीज किया जाए। अगर भाई ऐसा नहीं होता तो हमारा ये जो धरना प्रदर्शन जारी रह जाता है। ऑल जम्मू बेस्ड रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉयज एसोसिएशन भी अपनी मंगी के लिए पिछले मते दिन थमां हड़ताल उपर है। ये लोग ट्रांसफर पॉलिसी की लागू करने की मांग के लिए प्रदर्शन करा करते हैं। एक ही बात कहना चाहते हैं एलजी साहब से, हम रिक्वेस्ट करते हैं एलजी साहब कि प्लीज आप हमें बताए तो सही कि हम वहां जाके ड्यूटी कैसे दें, इन हालात में हम कैसे जाएं। आप सारी डिमांड्स को साइड पर रखें, आप सिर्फ हमें रास्ता बताएं कि हम ड्यूटी कैसे दें कश्मीर में जाके। जैसे बीजेपी पार्टी हेडक्वार्टर त्रिकुटा नगर च एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिस दौरान गणमान्य लोगों ने पार्टी ज्वाइन की। इस मौके पर रविंदर रैना और पार्टी का स्वागत किया। प्रदेश च उच्चे पहाड़ों पर बर्फबारी से मैदानी इलाकों च बरखा दसी जा करती है, जिसके तापमान च भी गिरावट दर्ज की गई है। ठंड च वाधा हुआ है। पीर की गली, साधना पास, चोजला पास, गुलमर्ग च भी हल्की बर्फबारी दर्ज हुई है। बर्फबारी का असर सड़कों पर भी पिया है ते मुगल रोड गड्डियों की आवाजाही लई बंद हो गई है। हायर रिज में खासकर पीर की गली, साधना पास, इन सारे एरियाज में लगभग 8 इंच से लेके 1 फुट तक की बर्फबारी हुई। बाकी गुलमर्ग में ऑलमोस्ट 5-6 इंच के आसपास, जोजिला में भी लगभग 4-5 इंच के आसपास बर्फ हुई है। तो कुछ एक जगहों पे हल्की बर्फबारी भी हुई है। तो ऑलमोस्ट जो हायर रिज हैं उनमें जो है लगभग 8 इंच से लेके 1 फुट तक की बर्फबारी हुई। तो कमिंग जो अभी थोड़ा सा अबरालू थे, हल्की बर्फबारी भी कुछ एक जगहों पर होगी पहाड़ों में, तो ग्रेजुअल इम्प्रूवमेंट होगा आज आफ्टरनून के बाद। समाप्त हुआ, नमस्कार।